अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी ये सीमा के खिदमत है हमारे ताराखाने में। अच्छा, ये टॉयलेट वगैरह का ये इंतजाम कर रहे हैं? पहले वही चालू होता है शायद, पहले स्टार्ट से काम ये शुरू होता। अच्छा, और आखिरी में ये काम आखिरी में अंजाम। अच्छा, 40 दिन पूरा 40 दिन रहता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए ये भी नौजवान साहब है, आपके क्या नाम? मोमिन सुहेल। कहाँ के हम? फुल्दाबाद। फुल्दाबाद से? हाँ। तो यहाँ पे हमेशा हर साल आते? हाँ, इस्तेमाल उसमें तो रहते ना। बहुत बड़ी बात। देखिए यहाँ पे आप देखिए किस तरह से नौजवान बच्चे वगैरह जो है काम में जुटे वाले हैं, सब मदद कर रहे हैं, अपना वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। आप लोग भी आइए और अपना वक्त जो है दीजिए आप। कर हुआ? नहीं, हाँ कर चलो ठीक। देखिए हम इस तरह भी बताते हैं कि इधर भी कुछ काम चल रहा है किस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जोर शोर से काम चल रहा है। वापस हम आपको बता देते हैं, इज्तिमाई काम जो है सब नौजवान बच्चे बूढ़े सब आके यहाँ पे काम करते हैं। तो बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हैं जो कि जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, अलग अलग जिम्मेदार की वजह से काम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से पूरा इस हल्के में कितना काम चल रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सबका खिलाफत टाइम्स में स्वागत करता हूँ। मैं आज जो है इज्तिमा में है। इज्तिमा ये कहाँ पे सर बताइए? ये कसाब खेड़े के नाम से तय हुआ, ये रायपुर में इज्तिमा है फिलहाल। जी जी, कसाब खेड़े से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है ये जी, एक अंदाजे के हिसाब से कसाब खेड़े के नाम से चढ़ रही थी जी। आप कहाँ से? हम गारखेड़ा औरंगाबाद से। यहाँ से यहाँ पे कहाँ से अभी आते हैं सब लोग? अभी शहर से आज यहाँ पर इससे अपने मशवरा था, जितनी भी खिदमत मिली हुई लोगों में तकसीम हुई हुई उन सबको बुलाया गया था। अच्छा। कि आपको जो भी उम्र मिले है उसकी क्या तैयारी है आपकी, आप आगे कैसा प्लान करने वाले, कैसी तैयारी करने वाले, उस हिसाब से जी। तो अभी यहाँ पे क्या क्या तैयारी होती है? कम्प्लीट काम तो सारे तकसीम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथी भी सारे तैयार है और कुछ काम तो शुरू भी हो चुके हैं और कुछ काम अभी करना बाकी है। तो जैसे जैसे इज्तिमा करीब आएंगे वैसे वैसे सारे काम होते रहेंगे इंशाल्लाह जी। कब है इज्तिमा अभी? ये जनवरी के महीने में है। अच्छा। 3-4-5 तारीख तक ये इज्तिमा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात जी। कितना मतलब कितने एकड़ में अभी फैला हुआ है? ये तो रकबा काफ़ी बड़ा है और जैसी जैसी ज़रूरत पेश आएंगी इंशाल्लाह और लोगों से बात करके रकबे को और बढ़ा लेंगे। जी जी। क्या आप अपने जो आवाम है उनको क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह देखो यहाँ पर हमारे काफ़ी नौजवान आए हैं अभी, लेकिन मज़ीद और लोगों की ज़रूरत है। जैसे जैसे आगे काम बढ़ेंगे इंशाल्लाह उस टाइम में, अब हर बार तो आप तक ऐलान नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जनाब का जो न्यूज़ है इनका जो चैनल है इस माध्यम से जो, तो इसके ज़रिए से हम आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आपको जब भी मौका मिले इतवार के दिन के अलावा में भी ख़ास तौर से, तो आप ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। देखिए एक के करने से नहीं होता, हर एक के करने से इंशाल्लाह ये काम होगा। अल्लाह जो भी तौफीक दे आप, लेकिन ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपकी अभी क्या जिम्मेदारी है आज जब आए हैं? हमारे पूरे इज्तिमा गांव में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी, वाटर सप्लाई जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल जो है तो पानी की जिम्मेदारी लेते हमारे नौजवान यहाँ पर, और इससे पहले जो बड़ा इज्तिमा हुआ था 17 के अंदर उसमें भी हमारी काफ़ी जिम्मेदारी थी पानी जी। इस बार भी हमारी पानी की जिम्मेदारी है, पूरे इज्तिमा गांव में जहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम वहाँ पर पानी पहुँचाते रहते, पहुँचेंगे भी इंशाल्लाह। देखिए हम और भी आपको बताएं किस तरह से यहाँ पर भी, देखिए आप किस तरह से काम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा काम चल रहा है यहाँ पर और ज़ोर शोर से काम चल रहा है। 3, 4 और 5 जनवरी को यहाँ पे इज्तिमा होने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना नौजवान तबका भी है और बुज़ुर्ग भी यहाँ पे ज़ोर शोर से जो काम कर रहे हैं। आप लोग भी जितने हो सकते हैं यहाँ पे आइए मदद के लिए, यहाँ पे कीजिए और हम आपको बता देंगे। इधर भी देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये जो टीन का शेड आप देख रहे हैं ये मस्जिद है पूरी, यहाँ पर कम्युनिटी में आइए आइए एक बार बोलिए। ये जो मस्जिद है ये आरजी मस्जिद है, यहाँ पर
अभी जब तक इज्तिमा रहेगा इंशाल्लाह ये मस्जिद रहेगी। अच्छा। उसके बाद में भी जब तक यहाँ पे ज़रूरतें बाकी रहेंगी इंशाल्लाह उस हिसाब से। लेकिन हमारी जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे दरख्वास्त की थी आपके ज़रिए से नौजवानों से कि आपको जब भी मौका मिले तो आए, तो आप डबल सीट ही आए, ट्रिपल सीट ना इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर से इस इज्तिमा का मकसद शोर शराबा नहीं है, इसलिए ना रास्ते से शोर शराबा करते हुए आए, ना यहाँ आने के बाद में शोर शराबा करें, फ़ोटो वगैरह ना लें, बल्कि काम से काम रखे। और इसकी असल कामयाबी, इज्तिमा की असल कामयाबी इसमें सिर्फ शिरकत करना नहीं है बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है। लिहाजा यहाँ पर आपको आने का जब मौका मिला तो आप यहाँ आकर भी काम कीजिए, लेकिन इससे बड़ा और ज़रूरी काम जो है वो अपने इलाके में, अपने महल्ले में ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी, अपने घर वालों की और अपने महल्ले के लोगों की तश्कील करें और चिल्ला चार महीने के लिए अपने साथियों को, अपने दोस्त अहबाब को जो है तो तैयार करें। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जफर खान है जी। आप कहाँ से हैं? मैं गंगापुर से आया। गंगापुर से है जी। आपका क्या है यहाँ पर खिदमत का? अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत तो हम सबकी मिला की है हमारा, लेकिन जिम्मेदारी तकसीम कर दी जाती है कि आपके जिम्मे खाने के जोन है, आपके जिम्मे तारात खाने हैं ऐसा। लेकिन अभी इस बात की पूरी उम्मत को कोशिश ये करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हमारे जिम्मे आए ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमसे खिदमत दे रहा है और हम उसको, उस खिदमत को जो भी अल्लाह हमको देगा उसको पूरा इंशाल्लाह अंजाम देंगे। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, फिर से मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब भी साथी खिदमत के लिए आए लेकिन इस बात का ख्याल रखे, ओवरटेक ना करे, ज़्यादा गाड़ियाँ ना भगाए और इज्तिमा को बदनाम ना करें। लेकिन इसके फिर आपके ज़रिए से हर एक बात पहुँचाना चाह रहे कि घर में हमारी मस्तूरात जो माँ बहनें हैं ये इंतखाब में बैठे दुआओं का दुआ करते रहे, हम रोज़े भी रखें कि ये इज्तिमा कामयाब होगा दुआओं की बरकत से। ये इज्तिमा कामयाब होगा दुआओं की बरकत, इसलिए हम इसलिए भी आप लोगों के ज़रिए से बात पहुँचाना चाहते हैं उम्मत तक कि दुआओं का भी इहतमाम करें, इंतखाब में बैठे, रोज़े भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अलग रात में निकलने की हम इसकी फ़िक्र करें। और आखिरी बात फिर हर ये डबल कह रहा हूँ कि ओवरटेक ना करें और फुटवा ना खींचे, हमारा काम शोर शराबे का नहीं है। और पूरे हर एक का अदब एहतराम इकराम करते हुए अल्लाह इस इज्तिमा को अल्लाह पूरा पाए तकमील तक पहुंचा दे, अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए। देख सकते हैं आप जिस तरह से सभी लोग जो है यहाँ पे ताउन कर रहे हैं, अपने हर कीमत का हर टाइम दे रहे हैं, हर मेहनत अपनी दे रहे हैं, उसी तरह से हमारे साथ में एक नौजवान भाई है, वो भी इनका भी कहना क्या है हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा में आए और यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। अभी काम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत कम है हमारे पास में और काम ज़्यादा है, तो जितना हो सके यहाँ पर वक्त दे और यहाँ पर आके अमीर साहब से मिलकर यहाँ का तावुन करे। तावुन ये करे कि यहाँ पर जो चीज़ करना है वो करे, आकर खाली बैठना ये अच्छी बात नहीं है। अमीर साहब से मिलो और जो काम है अपने ज़िम्मे लो और वो काम पूरी तरीके से अदा करो और किसी को तकलीफ़ ना दो। ये किसी अपनी जात से किसी को तकलीफ़ देना ये हराम है, तो एक दूसरे को किसी को तकलीफ़ ना दे और रास्ते से, ख़ास तौर से रास्ते से ओवरटेक ना करे और ज़्यादा हॉर्न ना बजाए। अपने रास्ते को रास्ता तंग करना ये अच्छी बात नहीं है, इससे गुनाह मिलता है। जज़ाकअल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद जाकिर। कहाँ पे आप? औरंगाबाद, बिड़ला पास। अच्छा, बिड़ला पास जी जी। अच्छा, ले देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि हम जब नौजवान यहाँ पे आएंगे इज्तिमा में तो हुल्लड़बाजी ना करते हुए अपने तमीज़ के साथ यहाँ पे बच्चे पहुँचे ताकि दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो। हम और आपको बताएं किस तरह से खिदमत यहाँ पे चालू है और आप लोग भी आइए खिदमत करने के लिए, हम आगे और बताते हैं आपको। तो पॉज करो आइए, हम और चालू करें, आइए हम और दूसरे जिम्मेदार से बात करते हैं कि कैसा काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे बुजुर्ग भी हमारे जो कि एक जोर शोर से काम कर रहे हैं। साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते? देखिए ऑटो चलाते हैं लेकिन फिर भी अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी ये सीमा के खिदमत है हमारे तारखाने पर। अच्छा, ये टॉयलेट वगैरह का ये इंतजाम कर रहे हैं? पहले वही चालू होता है क्या? पहले स्टार्ट से काम ये शुरू होता। अच्छा, और आखिरी में ये काम आखिरी में अंजाम। अच्छा, 40 दिन पूरा 40 दिन रहता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए ये भी नौजवान साहब है। आपका क्या नाम? मोमिन सोहेल। कहाँ के हम? फुल्दाबाद। फुल्दाबाद से? हाँ। तो यहाँ पे हमेशा हर साल आते? हाँ, इज्तिमा के उसमें तो रहते ना। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात। देखिए यहाँ पे आप देखिए किस तरह से नौजवान बच्चे वगैरह जो है काम में जुटे वाले हैं, सब
मदद कर रहे हैं, अपना वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। आप लोग भी आइए और अपना वक्त जो है दीजिए आप। देखिए हमारे साथ में भी नौजवान बच्चे हैं जो कि कहाँ से आए हम औरंगाबाद से। औरंगाबाद से? औरंगाबाद से कौन से लगे? रोशन गेट। रोशन गेट से? आपको जब मालूम पड़ा यहाँ पे इज्तिमा होने जा रहा है तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? हम हमारे भाई के साथ पहुँचे यहाँ पर खिदमत के लिए। अच्छा। और हमारे दोस्त भी आने वाले अभी। अच्छा। खिदमत के लिए। तो बस हमारा यही बोलना है कि भाई हमारा दोस्त लोग सब भाई लोग आके यहाँ खिदमत में साथ दे सबका, मिर साहब का। अच्छा। जो भी अपना फ्री टाइम है तो यहाँ इज्तिमा में टाइम दो फ्री है तो, और यहाँ पे अमीर साहब का साथ दो। गाड़ी जब आते हैं आप लोग भगाते आते हैं कैसे आते? हम एकदम पालन करते आते सबका, मतलब किसी को तकलीफ नहीं, एकदम अच्छे से किसी को। आपके दोस्त भी अगर देखेंगे ये चैनल तो आप बताओ उनको कि भाई जब आते हैं आप लोग भी। देखो मेरे साथी नौजवानों, गाड़ी स्लो चलाओ और आराम से आओ, बस ओवरटेक मत करो किसी को और किसी को तकलीफ में पहुँचे अपने से, और अपने किसी तकलीफ ना हो। एक बार शेख नहीं कर हुआ करो नहीं हाँ कर चलो ठीक। देखिए हम इस तरह भी बताते हैं कि इधर भी कुछ काम चल रहा है किस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जोर शोर से काम चल रहा है। वापस हम आपको बता देते हैं इज्तिमाई काम जो है सब नौजवान बच्चे बूढ़े सब आके यहाँ पे काम करते हैं, किस तरह से अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं और एक वक्त की यहाँ पे कुर्बानी देते हैं। जिस तरह से नौजवान यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी देखिए आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। क्या नाम आपका? जी दानिश। दानिश जी, दानिश भाई इनका नाम है और ये नौजवान बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को? कुछ नहीं, बस सब साथी ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश कर। दूसरी तरफ से दीगर इलाकों से आएंगे कुछ लोग, नौजवान बच्चे भी आएंगे, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहिए कि जल्द से जल्द इस काम की कोशिश करें और अल्लाह के रास्ते में लगे। अच्छा। और अल्लाह के घर का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबका यही कहना है कि सब लोग जो है आइए यहाँ पे मदद करने के लिए, अपना भी वक्त दीजिए ताकि ये जल्द से जल्द काम खत्म हो और इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छी तादाद में जो है क्या बोलेंगे मुसलमानों के लिए क्या बोलेंगे? बस दुआ करेंगे और क्या बोलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अच्छा। और इसको मुकम्मल तरीके से करें काम को बस। और बस यही बोलना चाहूँगा कि दुआ करें हर मुसलमान के लिए। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। आइए हम और आगे बताते हैं आपको किस तरह से काम चल रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए हम अभी यहाँ पे आपको बताएंगे जिस तरह ज़मीन लेवल का काम चल रहा है यहाँ पे आपको बता देते हैं, और बड़े पैमाने में बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है कि इज्तिमा का किस तरह से काम चल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हैं जो कि जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, अलग अलग जिम्मेदार की वजह से काम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से पूरा इस हल्के में कितना काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ जिम्मेदार भी है। क्या नाम है आपका? अनवर पाशा। अनवर पाशा साहब क्या कैसे इज्तिमा का कैसे काम चल रहा है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छे अंदाज में काम चल रहा है इंशाल्लाह, और सब लोग काम में लगे हुए भी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों से पूरा करेगा और काविश भी चाली लोगों की इंशाल्लाह। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग खिदमत भी कर रहे हैं, हर लाइन से लोग जो तो अपनी अपनी जो तो कुर्बान पेश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी ये इज्तिमा का ये क्या डेट कब है, कब 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 इज्तिमा होने वाला है? अभी इज्तिमा जो है तो चार पाँच का इज्तिमा, चार पाँच जनवरी को इंशाल्लाह। अपने जो नौजवान बच्चे आते हैं या दीगर इलाकों से जो लोग आते हैं वो गाड़ियों पे आते हैं, अभी अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ बोले, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने आवाम से और लोगों से, नौजवान बच्चों से? बस वही लोग जो जोश व खरोश के साथ जो आ रहे हैं उन्होंने एहतियात करे और ओवरटेक ना करे और इत्मीनान से आए और एहतियात करें, और बिल्कुल अल्लाह सबकी हिफाजत भी करे। अच्छा। अल्लाह हिफाजत करने वाला है लेकिन एहतियात करना अपने ज़िम्मे है, तो इंशाल्लाह सब साथियों से जो है तो हम सबको जो है तो आपके माध्यम से जो बोलना चाहते हैं कि भाई आने वाले जो साथी मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं वो एहतियात करके आए इंशाल्लाह, अपनी हिफाजत करके आए। अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? क्या बोलेंगे, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार भी है हमारे साथ में इधर के। आइए माशाल्लाह। क्या नाम सर आपका? साबिर शेख। माशाल्लाह। कहाँ से सर? यहीं औरंगाबाद रहीम नगर। नमस्कार। हाँ तो ये आप बताइए कि आपको क्या जिम्मेदारी दी गई?
यहाँ पे हमारे हलके के जिम्मे जो है पार्किंग की खिदमत है। यहाँ पे इज्तम के दौरान जो है गाड़ी आती है उनकी पार्किंग की खिदमत है, और भी जो है दिगर यहाँ के मार्केट की चौकीदारी की जिम्मेदारी भी है। यहाँ की जो है हमारे हल्के के जिम्मे यहाँ पे जो ज़मीन हमवारी हो रही है इसकी भी जो है मस्जिद अमान के जिम्मे जो है ज़मीन की हमवारी की खिदमत है, और एक जो मस्जिद है हमारे हल्के में उसके ज़िम्मे जो है यहाँ का खाने का एक जोन भी है। अच्छा, काफ़ी जो है जिम्मेदारी हमारे हल्के के जिम्मे है। बारी कॉलोनी हल्का है हमारा। अच्छा, जी तो अभी ये जो चल रहा है ये पूरा पार्किंग के लिए चल रहा है? नहीं, ये यहाँ पिंडाल रहेगा इज्तिमागाह का, उसके लिए लेवल हो रही है पार्किंग। तो यहाँ से पार्किंग कहाँ रहेंगे? पार्किंग बहुत दूर रहेगी रोड के उस साइड में। रोड के उस साइड में पार्किंग? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मतलब इतने जो बड़ा एरिया है इसके अंदर बहुत सारी मतलब पब्लिक आ सकती है। डाल रहेगा, खाने के जोन वगैरह रहेंगे, एक साइड से बाजार रहेगा, और जो है रोड के उस साइड में पार्किंग का इंतजाम रहेगा ऑफिस में। और यहाँ से निकलने के लिए अलग अलग जगह से बड़े रास्ते भी बनाए जाएंगे कि भाई निकलने के लिए सहूलतें होकर, क्योंकि वो आने के लिए वो एक ही रास्ता है। नहीं नहीं, ये तो अभी छोटा आर्जी तौर पर है ये, लेकिन बाहर जो है दो तीन तरफ से जो है इसके लिए रास्ते मुहैया कराए गए निकलने के लिए, निकलने के लिए और जाने के लिए, जाने आने के लिए। इज्तम के दौरान जो है वो रास्ते आर्जी तौर पर बनेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले? ये जो आ रहे हैं लोग, इनसे यही गुजारिश है कि भाई आते टाइम में जो है हम आहिस्ता से आए और जिक्र फिक्र के साथ आए, किसी को हमारे वजह से तकलीफ़ ना हो और कोई मुसीबत जो है हमारे ऊपर भी ना आए। इसके लिए जो है साथी आने वाले एहतियात से आए, गाड़ियों को आराम आराम से लेकर आए उसमें आते वक्त में। ठीक, देखिए इस तरह से और भी हम बताएंगे आपको किस तरह से यहाँ पे इज्तिमा का बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो या नौजवान हो, किस तरह से अपना वक्त दे रहे हैं, आ रहे हैं, आप लोग भी आइए माशाल्लाह यहाँ पर अपना वक्त लगाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब आप लोगों को मिल सके। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जमीन लेवल का काम चल रहा है। ट्रैक्टर कितने हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। मैं आखिरी में बोलूंगा, देखिए भाई इसके बाद कामयाब होने के आपसे। अभी आप जिस तरह देख सकते हैं कि पूरा जो है ज़मीनी लेवल का काम चल रहा है। वहाँ पे हमने जिस तरह देखा कि रोड रोलर से जो काम चल रहा था वहाँ का, अब इस तरफ से जो थोड़ा सा खुदाई काम चल रहा है, लेवल का काम चल रहा है, वो रोड रोलर यहाँ पे आके फिर ये दबाई का काम चालू करेंगे। हम यहाँ पे आते कुछ लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं जिम्मेदार, और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे टाइम वक्त दिया है अपना, उनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे ये लोग मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और बात कर। अभी देखिए यहाँ पे जिस तरह से चल रहा है काम, पूरा ज़मीन लेवल का यहाँ पे काम चल रहा है। 3, 4 और 5 तारीख को जनवरी को यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है 3 दिन का। आइए बात होते हैं। अभी हमारे साथ में कुछ यहाँ के इस्तेमाल जिम्मेदार भी है जो कि यहाँ पे लेवलिंग काम कर रहे हैं, खुदाई काम कर रहे हैं। जिस तरह से क्या नाम आपका? मेरा नाम इखलाक शेख। कहाँ से हम? मैं मालेगांव से हूँ, लेकिन यहाँ मेरा नानी का गांव है कसाबखेड़ा, यहाँ से। अच्छा, अच्छा, कसाबखेड़े के। ये जो कसाबखेड़ा रायपुर और पिपल गाँव के जो दरमियान में जो इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पे खिदमत के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो लोगों से मशवरा ऐसा अपना है कि ये भी है कि यार एक मैसेज ये देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे खिदमत करे और लोगों को भी खिदमत का मौका दे। हाँ, अभी आप जो नौजवान बच्चे आते हैं उसके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो यही कहना है कि यार कुछ थोड़ा बहुत यहाँ के इधर उधर टाइम पास करते हैं, इससे जब बेहतर है यहाँ आके मेहनत करो। यहाँ पे कहते हैं दिन का काम चल रहा है, तबलीगी इज्तिमा है, एक माहौल बनेगा, नौजवानों को देख के कैसे दूसरे नौजवानों के अंदर एक उभारी आती है कि यार ये लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी जाके मेहनत करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे काम चल रहे, हर जिम्मेदार जो है हर एक अलग अलग काम कर रहा है। कुछ पार्किंग का काम कर रहा है, कुछ टॉयलेट बाथरूम का काम चालू है, कहीं लेवलिंग का काम चालू है। ये जिम्मेदार पूरे जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं। हमारे जो आवाम अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं, सभी जिन्हों जो भी देख रहे हैं, उनसे ये भी दरख्वास्त है कि आके जो है यहाँ पे खिदमत अंजाम दे और अपना जो टाइम वक्त है यहाँ पे आइए और सवाब कमाइए। दापन। दापन।
है।